बिग बॉस गेम है ना गेम, वहाँ पर ही ख़त्म हो गई जब अनुराग ने जाके ऐसे पकड़ा। अरुण ये करता चालू हो जाता तो गेम वहाँ पर कंप्लीट थी, ख़त्म थी गेम। अरुण बहुत अच्छा कंट्रोल है दिमाग पर, बहुत अच्छा कंट्रोल है। और उसके बाद बिग बॉस आपने क्या बोला, वहाँ पर क्रिएटिव टीम है, सब ऑफिशियल लोग बैठे हैं, आप जो एक एक चीज़ बात करते हो तो उसमें पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, सिस्टमेटिकली आपको बताते हैं, उस हिसाब से आप बात करते हो। आपने पहले अभिषेक का नाम लिया कि अभिषेक गुस्सा हुआ था, फिर समर्थ का नाम लिया, तहलका के बारे में आपने बोला कि वो फेंकता है, वहाँ पर ही अगर आप सज़ा दे देते हैं, इसे हम पूरी सीज़न के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो उसके बाद जो सेकेंड हरकत की ना उसने, वो नहीं होती। तो उसके बाद अगर वो सेकेंड हरकत करता तो आप डायरेक्ट उसको निकाल देते, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसके बाद मैं जो एक्शन लूँगा आप लोग देख लेना। बिग बॉस अभिषेक के टाइम से आप यही बोल रहे थे, आज भी आपको क्या था कि यार अनुराग को हम लोग नहीं निकाल सकते, और आपको कहाँ ना कहाँ पता था कि आगे और भी कुछ हो सकता है, तो आपने क्या किया, इसके बाद मैं एक्शन लूँगा ना तो आप बोलना मत। उसने ना ऐसे पकड़ लिया था अरुण को, समझ रहे हो बिग बॉस, उसने ऐसे पकड़ लिया था तो वहाँ पर गेम ओवर हो गई है, वहाँ पर आपको नॉमिनेशन का पनिशमेंट दे देना चाहिए था। बट जैसे मैंने कल के रिव्यू में भी बोला था, ये TRP के चक्कर में ना कभी ज़ोरदार हाथापाई होगी, उसके बाद क्या होगा, बिग बॉस यही चीज़ बोलेंगे, दोनों को साइड पर लेकर जाओ, ऊपर वाला ना करे एक जाएगा हॉस्पिटल, आप एक को बाहर भेजेंगे। इसलिए ये इतनी बड़ी चीज़ें ना हो, आपको थोड़ा मामला संभालना पड़ेगा। ये ऐसे पकड़ लिया वहाँ पर ख़त्म हो जाती है बात, वहाँ पर आपको बीच में आके सज़ा दे देनी चाहिए थी, ये मैटर हम साइड पर रखते। अब ये अनुराग भाई इतना भड़के, वो क्यों भड़के, सबसे पहले तो मामला चल रहा था खाली बातों का, इसने क्या बोला अरुण ने, दोनों जने की गलती है, ऐसा नहीं है एक की गलती है, दोनों जने की गलती है, क्योंकि वो भी ऊपर से जंप मार के आया था छोटी बात में। अनुराग सबसे पहले बेड पे से जंप मार के आया था, उसकी और तहलका की कन्वर्सेशन चालू थी, उसके बीच में अरुण की और अनुराग की कन्वर्सेशन चालू हो गई। अब ये बेटी की कसम झूठी खाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल रहा था, वो बोल रहा था चप्पल उठा के मारूंगा अरुण, और उसमें फिर अरुण ने बोल डाला मैंने देखा था रात को किसी के साथ था, सुबह निकला किसी के साथ। ये सब बातें पता नहीं पर्सनल लाइफ की बातें आप बिग बॉस में कैसे करते हो, और करते हो तो पूरी दुनिया देख रही है बिग बॉस। बस उसके बाद सच क्या है झूठ क्या है वो ऊपर वाले को पता। अनुराग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अनुराग ने बोला कि भाई इसने मेरी बहन को घसीटा बीच में, अब हमें नहीं पता है रियलिटी क्या है जैसे लोग बोल रहे थे। अनुराग ने सीधा जाके उसके गिरेबान पकड़ लिया, और अरुण ने अपने दिमाग पर कंट्रोल रखा। सेकेंड किस्सा होता है NGO की बात पे, अरुण बोलता है NGO चलाता है, पहले अपने घर वालों को तो देख, और फिर अनुराग भी बोलता है कुछ, फिर ये भी बोलता है कुछ, और फिर फाइनली अनुराग वो कोई प्रॉपर्टी लेकर फेंक देता है। अब वो जैसे फेंकता है, तहलका और अरुण दोस्त है, तहलका की वो क्लिप मेरी ध्यान नहीं गई, बट मुनावर ने बोला और मैंने सुना कि तहलका ने ज़ोर से धक्का मारा, समर्थ ने भी मारा, क्योंकि उस वक्त समर्थ जो था वो भी कब से फेडअप था इससे अनुराग से। पर अभिषेक जो बीच में आया, अभिषेक ऐसे करके आया बीच में, ठीक है। अब अभिषेक जो ये बीच में आया तो अभिषेक फुल लड़ाई के इंटेंशन से आया, फिर बाहर हो गई अभिषेक की और इसकी अनुराग की। बट अनुराग वेल डन कि तुम सब पर भारी पड़ रहे थे, ऐसा नहीं है कि अभिषेक भारी नहीं पड़ रहा था, पर तुम भी लोगों को बराबर तरीके से बता रहे थे कि मुझे ना तुम लोग कमज़ोर नहीं समझ सकते, भले मैं यहाँ की वहाँ वहाँ की वहाँ करता हूँ, बट मैं भी TRP दूंगा और मैं भी कंटेंट दूंगा। अनुराग ने बहुत भारी कंटेंट दिया, बहुत भारी TRP दी, और अभिषेक और अनुराग जब लड़ रहे थे तब कोई चांस ही नहीं था कि मतलब मारा मारी का चांस हो, क्योंकि वो दोनों है ना संयम में थे, दोनों कंट्रोल में थे। एक सीन ये भी देखा कि समर्थ आया पीछे, विकी ने समर्थ को भगाया कि क्या है भाई अभिषेक लड़ रहा है ना तू अंदर जा, और फिर समर्थ अंदर चले गया। उसके बाद फिर बिग बॉस ने जो सेकेंड डिसीज़न लिया, पूरे सीज़न तक ये नॉमिनेट रहेगा, तो अब अगर वो तीसरी गलती करेगा उसके बाद तुम उसको घर भेजोगे, या तीसरी गलती करने से पहले सामने वाला दूसरे लोग अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो बिंदास पकड़ लेते धक्का मारते कुछ नहीं होता है तो चलो हम भी चालू कर देते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में बिग बॉस आपको सीरियस होना पड़ेगा,
वरना प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंकिता और विकी। सबसे पहले विकी अंदर था, अंकिता ये तू किधर है विकी, तो विकी ने वो चीज़ को रॉन्ग लिया, तू ऐसे कैसे पूछती है मुझसे। देखो कभी कभी क्या होता है मैं कि आपको अगर कोई रिलेशनशिप तोड़नी है ना, समझना बात को, विकी और अंकिता की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर कोई रिलेशनशिप तोड़नी है तो आप पूरी कोशिश करते हो झगड़ा करने की, कॉम्प्लिकेशन करने की, जब आप सामने वाले से प्यार करना बंद कर देते हो। तो यहाँ पर भले ये लोग हस्बैंड वाइफ है, बट विकी को देखकर क्लियर ये लग रहा है विकी का अब हो चुका। विकी वहाँ पर उससे लड़ाई किया, उसके बाद तू सेलिब्रिटी, तू अंकिता लोखंड है, आई एम सॉरी, मेरा क्या है, मैं तो चिल्ला भी नहीं सकता, 5 साल का तू नहीं काउंट कर रही है, तू अभी का काउंट कर रही है। अंकिता बोल रही है, अरे मुझे पता है, मुझे सब पता है कि तुमने मदद की है, बट दिस इज़ नॉट द वे, इस तरीके से बात नहीं करो, इस तरीके से तुम सॉरी बोल रहे हो, ये तो तुम ईगो को बीच में ला रहे हो। वहाँ तक है ना, कसम से बोल रहा हूँ, अंकिता का बहुत सब चीज़ें सही लग रही थी, बहुत ज़्यादा अंकिता को देखकर एक इमोशनल फीलिंग आ रही थी कि यार ये कितना प्यार करती है, काश विकी भाई इसके प्यार को समझ जाए। और उसके बाद हमने एक सीन देखा, अंकू, वो एक अच्छा मोमेंट भी आया विकी और अंकिता का, तब भी दिल में शांति हुई, यार चलो इन दोनों का सब सॉर्ट हो रहा है। अब उसके बाद अंकिता की सबसे बड़ी गलती, अगर वो बंदा बाहर, उसे नींद नहीं आ रही, वो अगर फ्रेंड्स लोग के साथ बैठा है, बैठने दो उसे, आई सिंपली एग्री, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो शायद अलग हो जाएगा, तुम्हें लोनली फील हो रहा है, इसलिए तुमको चाहिए कि तुम्हारे साथ सो जाए, बट हम है ना ज़िंदगी में किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, हम जब ज़िंदगी में किसी के ऊपर फोर्स करते हैं ना, वो हमसे और दूर होता है, सबको है ना फ्री छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ रहना है ठीक, नहीं रहना है ठीक, जो करना है ठीक, स्पेस पूरी दे दो, फ्री छोड़ दो, उसके बाद जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा अपना, वरना फॉर्मेलिटी के लिए साथ में रहना नॉट राइट। अंकिता जो तुम बाहर गई और तुमने उसको फोर्स किया कि तू अंदर आ, अंदर आ, बाहर खुश था, दोस्त लोगों के साथ बैठा था, तो शादी कर लिया है ठीक है, अभी तुम लोगों की सिचुएशन है ना बराबर नहीं चल रही, तो उस वक्त उसे थोड़ी स्पेस दे देना चाहिए था, वो जो हैप्पी मोमेंट था वहाँ से वो तुम्हारे पास आया और तुमने उसको एक बैड वर्ड भी दे दिया, तो उसके बाद उसकी ये हटी कि यार तू मुझे ऐसा क्यों बुला रही है और तू वो लोग के सामने ऐसे सब क्यों बोल रही है। अंकिता ने बोला, तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग तुम्हारे साथ भी रहते हैं ना, तो तुम लोग का इतना है थोड़ा, वो लोग ऐसे मजाक करते, तो वो चीज़ को है ना अंकिता तुमको सीरियस नहीं लेना चाहिए था। और अंकिता सीरियसली पता है तुम विकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुमको भी है ना विकी का नेचर पढ़ना पड़ेगा, और विकी भाई आपको भी अंकिता को देखना पड़ेगा, आपको भले अंदर से जो भी चीज़ हो बट ट्राई करो, आप एकदम अंदर से ऐसे मत सोच लो कि नहीं यार तो क्या, अब नहीं हो सकता है, अब क्या तू बड़ी सेलिब्रिटी, वो अकेला मकेले तो मूवी आई थी, ये सब चीज़ें मत सोचो, आप भले बिग बॉस में आए बट पहले भी आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा था ना, तो बिग बॉस में आने के बाद पूरी सिचुएशन अलग रहती है, तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो प्लस माइनस हो रहा है, तो इस गेम की वजह से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट मत करो। थोड़ा यहाँ पर विकी भाई आपको समझना होगा, अंकिता तुम्हें भी थोड़ा समझना होगा, मैंने कल भी कहा था आज भी कहता हूँ, हस्बैंड होगा उसको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, वाइफ को अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, दोनों को एक दूसरे का नेचर समझना पड़ता है, कौन सी बात पे सामने वाले को ख़राब लग रहा है, कौन सा सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट है, थोड़ा स्पेस दे दिया, हमने थोड़ी उसकी सुनी, उसने थोड़ी हमारी सुनी, कोई चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं की, प्यार से बात किया, कभी तुम झुक गए कभी वो झुक गया, तो इससे है ना रिश्ता अच्छा चलता है। अभिषेक तुमको अच्छी तरीके से पता है ना, दिल टूटता है तो क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से तुम बोल रहे हो कि ये नॉर्मल है, जब तुम्हारी आफ्टरनून में बात हो चुकी है कि अब तुम जैसे अंकिता और वो लोग के साथ रहते हो वैसे खानजादे के साथ रहोगे, तो फिर रात में तुम फिर से बैठ के पास गए, बाद में बाहर तुम लोग बात कर रहे हो, तो कभी कभी है ना सामने वाले की जो फीलिंग रहती है ना वो उसको कंट्रोल बहुत करता है, बट फिर वो सोचता है कि कंट्रोल नहीं हो रही है, और खानजादी तुम्हारे प्यार में अगर पड़ गई तो फिर तुम्हें तो उससे प्यार नहीं है, ठीक है, तो फिर अननेसेसरी खानजादी को दुख होगा, और अगर वो भी ये गेम के लिए कर रही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें देख के क्लियर पता चलता है कि तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है, अब खानजादी को देखकर एक दिन ऐसा लगता है कि उसके दिल में कुछ नहीं है, आज उसको देखकर लगा, उसकी आँख में देखकर लगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जाग रही है, तुम दोनों के दिल में फीलिंग नहीं है,
तो जिस तरीके से तुम लोग रह रहे हो उस तरीके से मत रहो। नॉर्मली अभिषेक तुम अंकिता दूसरे लोगों के साथ कैसे हो वैसे रहो। और खानजादी तुम्हें भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें पता है अभिषेक तुमसे प्यार नहीं करने वाला है, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला है, तुम्हें भी ध्यान रखना है, तुम्हें भी उससे डिस्टेंस रखना है। टाइगर 3 मैंने कल देखी, मैंने टाइगर 3 का हॉनेस्ट रिव्यू, जो सच है टाइगर 3 मूवी देखकर जो मुझे फीलिंग आई है, प्लस पब्लिक ने जो रिव्यू दिया, वो सब चीज़ें मैंने डाली है। इसके पहले ही है वो वीडियो, आपके पास टाइम हो तो आप एक बार जाना वो वीडियो को जाकर चेक करना। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़, सलमान खान के वीडियो, शाहरुख खान के वीडियो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसके अलावा मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।